हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे ब्रेड सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। इसे बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी है। चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर पसंद आए लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसे बनाने के लिए चौथाई कप सूजी ले लेंगे, चौथाई कप गेहूं का आटा और चौथाई कप हम ले लेंगे ब्रेड्स क्रम। ब्रेड्स क्रम बनाने के लिए ब्रेड को मिक्सी में पीस लीजिएगा। अब एक चम्मच डाल देंगे सफ़ेद तिल, चौथाई चम्मच चिली फ्लेक्स, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब मोइन के लिए इसके अंदर डाल देंगे हम 2 चम्मच तेल। यहाँ पर घी का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आप तेल भी यूज़ करेंगे तब भी बहुत बढ़िया बनेगी। अब इसे इस तरीके से मसलते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए अच्छे से इसको मसल लिया है। अब ये बाइंड भी अच्छे तरीके से हो रहा है, देखिए। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसमें सूजी भी है और ब्रेड भी, ये दोनों पानी को अच्छे से अब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करेंगे इसके अंदर। इस डो में से थोड़ा सा पोर्शन में अलग निकाल रही हूँ, 2 चम्मच के करीब। मैं निकालना भूल गई थी, आप इसे गूंदने से पहले 2 चम्मच निकाल लीजिएगा। अब हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। जिस तरीके से हम आटे का डो लगाते हैं, इसी तरीके से हम इसको भी गूंथेंगे और गूंथते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। अब हम इसको रेस्ट पे रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट बाद डो अपने आप सेट हो जाएगा। अब चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब जो हमने डो के अंदर से थोड़ा सा पोर्शन निकाला था, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मसलेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। पानी थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे क्योंकि हमें इसको पतला नहीं करना है, यह हमें बिल्कुल गाढ़ा बनाना है। इसकी जगह मैदा या कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सूजी और ब्रेड क्रम है तो इसकी वजह से ये बहुत ही क्रंची बनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अब इसके अंदर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी मिक्स कर देंगे और इस तरीके से इसकी स्लेरी बना लेंगे। इसे साइड में रख देंगे और आगे की तैयारी करते हैं। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे 2 चम्मच तेल, फ्लेम को यहाँ पर लो कर देंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब डाल देंगे इसके अंदर 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच डाल देंगे हींग, इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और हाजमा भी अच्छा रहता है, तो ज़रूर से डालिएगा। अब डाल देंगे इसके अंदर 1 कटी हुई बारीक प्याज, साथ ही डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। इसको हल्का सा सोटे कर लेंगे, बस प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, इतना ही कुक करेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, टमाटर बारीक काट के डालिएगा, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। अब डाल देंगे इसके अंदर मसाले, 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी, 1/2 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अगर आप अपनी पसंद के और भी मसाले यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मसाले अच्छे से भुनने के बाद अब डाल देंगे इसके अंदर 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, आलू को मैश करके डालें और उसके साथ डाल देंगे 1/2 नींबू का रस। नींबू का रस नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आमचूर या चाट मसाला डाल लीजिएगा। अब हम आलू को और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो इसे पकने में बिल्कुल भी टाइम लगेगा क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी पहले से उबले हुए हैं और मसाले भी पके हुए हैं, बस हम इसे थोड़ा सा ही पकाएंगे। चलिए, ये भी अच्छे से पक गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, धनिया है तो डालिएगा, नहीं तो इसकी जगह आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए, फिलिंग भी तैयार हो गई है, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। डो को देख लेते हैं, तो डो भी अच्छे से सेट हो गया है, सूजी और आटा दोनों ही अच्छे से फूल चुके हैं। अब इसे अच्छे से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। जिस तरीके का आटा हम चपाती के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट हो गया है। अगर ये हाथों में चिपचिप करता है तो थोड़ा सा हाथों में तेल लगा के इसको अच्छे से मसल लें। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो 1 पार्ट को हम ढक के रख देंगे और 1 पार्ट की हम लोई बना लेंगे। लोई के ऊपर सूखा आटा लगा लेंगे, इससे ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, और इसकी रोटी बेल लेंगे जिस तरीके की हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, उससे थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे। रोटी को हम ज़्यादा पतला शेप नहीं देंगे वरना ये अच्छे से बिल्कुल भी सेट नहीं होगा, इसलिए हम रोटी को मोटा ही बेलेंगे। अब इसके अंदर से हम पीसेस कट करेंगे। अब मैं यहाँ पर गिलास की सहायता से पीसेस कट कर लूँगी, आपके पास कप कटोरी या कोई साँचा हो उससे कटिंग कर लें। नाश्ते की एक सर्कल शेप तैयार हो गई है,
एक सर्कल का पीस ले लेंगे और इसके ऊपर फिलिंग लगाएंगे। फिलिंग को लगाते हुए अच्छे से सेट कर दें। देखिए चारों तरफ से इसको अच्छे से सेट कर देंगे। पूरे सर्कल में अच्छे से फिलिंग को लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर दूसरा पीस रखेंगे। अब इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे और प्रेस करते हुए इसको चिपका लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने सारी नाश्ते की शेप बना के तैयार कर ली है। जो हमने सिलेरी बना के रखी थी इसको एक बार अच्छे से घुमा लें और इसके अंदर नाश्ते को हम डिप करेंगे। अब इसके चारों तरफ से हम सिलेरी को लगा लेंगे। ये अच्छे से कोट हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। सिलेरी लगाने से ना तो ये टूटेगा और ना ही ये बिखरेगा, तो बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा। तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दें। अब एक एक करके सारे नाश्ते को तेल में डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तेल की इस तरीके से इसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे। जब हम इसको पलटेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अब इसको एक तरफ से सिक जाने देंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा फिर हम इसको पलट लेंगे। तो ये एक तरफ से सिक गया, अब हम इसको पलट लेंगे। अब इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसी तरीके से पलट पलट कर सेकेंगे तो ये बहुत अच्छा क्रिस्पी होने तक सिक जाएगा। अगर आप समोसे कचौड़ी खाने के शौकीन हैं तो ये नाश्ता आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये बहुत टेस्टी बनता है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। आप एक एक करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।